सुरेश नागे मानो बाय बाय सर गुड मॉर्निंग जय श्री वाला में 2001 में 2011 में
ये आज 8.64 यहाँ पे केंद्र में है, आज यहाँ पे भी 9% देना चाहिए। यहाँ की सरकार बोलती है कि वहाँ से बिल नहीं आया, वहाँ की सरकार बोलती कि हम भिजा दिया, दोनों मिलकर हमको गुमराह कर रहा और हमको अन्याय कर रहा। आज जो भी जॉब में हमारा रिजर्वेशन है वो 6% हमको मिलता है, 9% अगर से मिले तो हमारे बच्चे डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, अलग अलग उसमें इम्प्लाइया बहुत बड़े पैमाने पे हमारे बच्चों को नौकरी मिलता। और जो भी नौकरी कर रहा उनको क्या कि रिजर्वेशन में उनका प्रमोशन मिलता, इसके लिए वैसा ही हमारी जमीन खींचने जा रही है वहाँ पे, जो कोडकुमुर जो बोलते हमारे बाबा दादा परदादा से 70 साल से हम लोग का हल चला है, उसको पट्टा मिला है, उसका पूरा ये मिलने के बाद में हरिता आरम के नाम पे जमीन खींचने जा रहे हैं। हमारे एक पार्लियामेंट मेंबर 3 बार राज्यसभा, 1 बार स्टेट के मंत्री और ओबीसी के जो एमपीओं के चेयरमैन थे, उन्होंने जब आरक्षण के लिए ओबीसी के लिए लड़ा, लड़ने के बाद में ओबीसी को आरक्षण आया आईआईटी में और आईआईएम में हमको रिजर्वेशन मिला, उसमें हमारा कोटा भी, हमारे ट्राइबल बच्चे भी, वो ओबीसी जहाँ है हमारे लोग, तमिलनाडु हो तो, उत्तर प्रदेश हो तो, राजस्थान हो तो, जहाँ भी बीसी है वो लोगों को भी उनका आरक्षण मिला। उसको फ्लैट का टाइम हो रहा, हम बोलने से तुरंत वो लोग आए, इतना बिजी रहने पर भी अन्ना को मैं 2 मिनट बात करता हूँ तो एयरपोर्ट 12 बजे उनका फ्लाइट है, इसके लिए हमारे जात में उनको बहुत ये है और सबसे ज़्यादा मेरे पे ज़्यादा अभिमान है। इसके लिए मेरे बड़े भाई हनुमंतराव जी राज्यसभा मेंबर एक को उनके 4 विचार उनके हमारे सामने रखना, बल्कि मैं गुजारिश करता हूँ। स्पीकर का आवाज़ बढ़ाओ, स्पीकर का आवाज़ बढ़ाओ, आवाज़ नहीं आ रहा।